हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक मॉर्निंग सर। है, आज करना है हमने आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोलते क्यों ऐसे इंडस वैली? सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, किसे बोलते हैं सिविलाइजेशन? ये एक आदमी सभ्य है, सिबल है, किसे बोलेंगे? जिस किसी की कोई पॉलिटिकल लाइफ हो, कोई सोशल लाइफ हो एंड कोई इकोनॉमिकल लाइफ, उसको बोला जाता है सिविल। इंडस वैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जितना भी एरिया जो डिस्कवर किया गया था वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? हमें इंडस रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी उसके नियर अबाउट मिला है। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? चिनाब, जेलम और कौन सी, रावी, ब्यास, सतलज और जैसे कि शियोक। हाँ भी ज्योग्राफी वालों, गिलगित कुछ भी नहीं बोल रहे आप लोग तो, बिल्कुल पता साफ है। ठीक है, काबुल। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज थी जिनके इर्द गिर्द हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या मिला, सबूत मिले हैं, उनके एविडेंसेस मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत में रेलवे किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिश। ब्रिटिश तो बहुत आए, कोई किसी एक का नहीं। डलहौजी कब किया था? 1853 में। हाँ, और कहां से कहां चली थी? बॉम्बे टू ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे तक चली थी। ठाणे भाई महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो रेलवे बोर्ड था वो किसके द्वारा बनाया गया? रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की थी उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। एंड सबसे ज्यादा जो रेलवे डेवलपमेंट किया था वो भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो 1899 से लेके 1900 तक रहा। अरे भाई कौन से जगराते में आ गया तू। ठीक है, 1905 तक रहा। तो इसी के टाइम पीरियड से लेके 1921 तक सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई रेलवे की। एक रेलवे लाइन भी छाई जा रही थी लाहौर के पास। लाहौर के पास जब रेलवे लाइन भी छाई जा रही थी तो वहां से कुछ ब्रंट ब्रिक्स का निकलना शुरू हुआ, पक्की ईंटें। ठीक है, पहले तो वो जो ईंटें थी वो यूज करते रहे रेलवे की पटड़ी बनाने में, बट बाद में एक आदमी को बुलाया गया 1921 में जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, ये कौन थे उस टाइम पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे। उनको बोला गया कि भाई यहां से बहुत पक्की ईंटें निकली हैं, देखो कोई भट्ठा तो नहीं लगा हुआ नीचे। ठीक है, तो उन्होंने जब खुदाई शुरू की जहां पे ईंटें बनती हैं, ठीक है, तो बोले कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो है दफन हो गई थी। ठीक है, उसका नाम उन्होंने दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा में हुई थी 1921 में। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा भी रख दिया गया। ये वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मेसोपोटामिया, ईरानियन सभ्यता जैसे भी जो है हमें उस टाइम पे मिली।
तो इसका जो डिस्कवर किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, हड़प्पा के पास किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो क्या रख दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये किसके किनारे पे थी, इंडस रिवर के किनारे पे थी, और इसको डिस्कवर किया गया था दयाराम सानी जी के द्वारा 1921 में, ठीक है, हड़प्पा। और यहीं पे जो है एविडेंसेस मिले थे, और ये फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन था इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले क्या था, ये अर्बन रेवोल्यूशन था। उसके बाद इसको जो है ब्राउन एज के नाम से भी जाना जाता है। ब्राउन एज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम जो ब्राउन था उसका यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि कॉपर प्लस टिन दोनों को मिला के क्या बनता है, ब्राउन्स बनता है। ब्राउन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांसा, ठीक है। और उसके बाद ये ओल्डर देन थी किसके, चाल्कोलिथिक कल्चर से, यानी कि कॉपर एज के बाद जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसके बाद जो है ये फॉर्मेशन आया था, और ये कुछ जो है मोर एडवांस जो है क्या थी, कल्चर था, यानी कि सिविलाइजेशन थी। और जैसे कि कहाँ कहाँ फैला हुआ, जो पूरे का पूरा वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बलूचिस्तान रीजन, तो ये सारे के सारे जो रीजन थे ये इससे ही रिलेटेड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो मैप है ये जहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये किसका एरिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी दो टाइम पीरियड है, एक तो है प्री हड़प्पा और दूसरा है पोस्ट हड़प्पा पीरियड। अगर प्री हड़प्पा पीरियड की देखा जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1300 BC टू लेके 2600 BC तक रहा। इसको जो है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम पीरियड में यूज ऑफ द फ्लो, फ्लो का मीनिंग क्या होता है, हल, लकड़ी का हल यूज करते थे। यूज ऑफ द पॉटर मिल, यानी कि जो चाक है जो घुमार बनाने के लिए, स्पिनिंग यार्न, और टेक्सटाइल ऑफ द वीविंग, स्पिनिंग यानी कि जो क्या करते हैं, चरखा या फिर जा जो क्या होती है हमारी कॉटन होती है उससे जो स्पिनिंग करते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल वीविंग करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन थी वो भी सरप्लस होना शुरू हुई, और क्राफ्ट वगैरह, स्पेशलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन और रीजनल जो ट्रेड था वो भी डेवलप होना शुरू हुआ। किस टाइम पीरियड में, प्री हड़प्पा टाइम पीरियड में। उसके बाद मेच्योर फेस ऑफ दी हड़प्पन पीरियड, मेच्योर फेस का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 2500 BC टू 800 BC तक रहा। ये जो एक्सपेंड हुआ था ये सुतकोंडोर कहाँ पे, वेस्ट में, जो कि बलूचिस्तान में है। उसके बाद वेस्ट में कहाँ पे, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है, वेस्टर्न यूपी में है। और इन दी ईस्ट, सॉरी, आलमगीर जो था वो कहाँ था, यूपी में था, ईस्ट में था, और बलूचिस्तान जो है वो वेस्ट में था, और मांडू जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है वो नॉर्थ में सिचुएटेड था। उसके बाद दैमाबाद जो कि अहमदानगर महाराष्ट्र में है वहां तक जो है इसका फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ की जो स्क्रिप्ट मिली है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई, बट अभी जे वो बहुत ही मोस्ट एडवांस जो है सिविलाइजेशन वो नाम के जानी जाती है, ठीक है। तो फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कौन से फीचर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ द मेटल कास्टिंग, यानी कि उनको मेटल को पिघलाना आता था। उसके बाद यूज ऑफ द लॉस्ट वैक्स मेथड मेकिंग ऑफ द ब्राउन स्कल्पचर, ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे, ब्राउन्स बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए कौन सी तकनीक यूज करते थे, लॉस्ट मेथड, वैक्स मेथड। ये क्या होता था, मान लीजिए कि पहले क्या करते थे, एक वैक्स की मूर्ति बना ली, कोई स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, वैक्स के ऊपर ये लेप लगा देते थे किसका, मिट्टी का, सॉइल का लेप लगा दिया। उसके बाद क्या करते, उसमें से एक मिट्टी को गर्म कर लेते, क्योंकि मिट्टी तो पिघलती नहीं है गर्म होने से, वो तो ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है, वैक्स क्या होती थी, पिघल जाती थी, ठीक है। उसके बाद उसमें से शेद कर लेते थे और वैक्स को क्या कर देते, बाहर निकाल देते, और जो ब्राउन होता था उसको गर्म करके उसमें डाल देते थे, ठीक है। इससे क्या बन जाता था, हमारा मूर्ति बन जाती थी, जिससे कि वो स्ट्रक्चर बना लेते थे, क्योंकि भाई वैक्स से मूर्ति बनाना इजी होता है, ठीक है, द्वारा द्वारा मेटल से जो है मूर्ति इतनी जल्दी नहीं बनती जितनी कि वैक्स से बनाई जा सकती है। और उसके बाद लोथल से
और चुहुंदरों से कुछ बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी मिली हैं, बीड मेकिंग यानी कि मनके या फिर मोती बनाने की फैक्ट्रीज, और साथ ही साथ हमें ब्लैक और रेड पॉटरी भी मिली है। ठीक है, ब्लैक यानी रेड यानी कि वो कलर भी कर देते थे जो बर्तन होते थे। उसके बाद वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी, काफी सारी जो जैव विविधता थी उसमें पाई गई है। और सुतकन डोर में एक पोर्ट भी मिलता है, ठीक है, एक सुतकन डोर में और एक लोथल में, ठीक है, इसको नेचुरल डॉकयार्ड बोलते थे। यहाँ से ये पता चलता है कि वो क्या करते रहे होंगे, ट्रेड करते रहे होंगे। उसके बाद धौलावीरा एकमात्र ऐसी सिटी थी जो कि तीन पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। अदरवाइज जितनी भी सिटीज मिली हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड है, टू सिटाडल में डिवाइड होती थी। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी मेटल मिली है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सॉरी कॉपर, टीन, ब्रॉन्ज, बट अभी तक उनका जो है आयरन से कोई वाव जो है वाव वास्ता नहीं था, ठीक है, क्योंकि आयरन जो हमें मिली है वो कब मिली है, वैदिक पीरियड में जाकर मिली है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा कौन सी धातु से, लोहे से, यानी कि आयरन के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद एविडेंस ऑफ द वाटर स्टोरेज, यानी कि वो वाटर स्टोरेज भी करके रखते थे कहाँ पे, एट धौलावीरा में। उसके बाद एक नेचुरल डॉक यार्ड भी मिला है, यानी कि बंदरगाह मिली है कहाँ पे, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। आपको बच्चे क्या नाम है मैच की कॉलम में दे देते हैं कि कौन कौन सी जो कहाँ पे साइट सिचुएटेड है, तो आपको कॉलम मैच करने होते हैं कि कौन सी कहाँ पे सिचुएटेड है। डॉक यार्ड बच्चे नेचुरल यानी कि आप बंदरगाह बोल सकते हो, बंदरगाह पोर्ट जहाँ पे शिप लोड होते हैं और जाते हैं वहां पे, पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो टाउन होते थे वो टू सिटाडल्स में डिवाइड होते थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ये सिटाडल है जो कि थोड़ा अपर क्लास के लिए बनाया गया है, और ये थोड़ा जो है लोअर पार्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है, हम मोहनजोदड़ो का है, ठीक है। ये जो है ये अपर पार्ट जो होता था वो रूलिंग क्लास के लोग वहां पे रहते थे, और ये वाला जो लोअर सिटाडल था वो रेजिडेंशियल एरिया था कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। जो रोड्स होते थे वो ग्रिड पैटर्न के होते थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये रोड जा रही है, यहाँ से ये रोड जा रही है, और यहाँ से ये रोड जा रही है, ठीक है। जब गलियां जो रोड थे वो अपने आप साफ क्लियर हो जाते थे जब भी हवा चलती थी, क्योंकि इनको रेक्टेंगल पे बनाया गया था। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अमेजिंग था, जैसे कि चंडीगढ़ का है, ठीक है। चंडीगढ़ ऐसा बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट बाथ मिला है, ग्रीनरी भी नहीं है, एक बाथरूम भी मिला है, ग्रेट बाथरूम या ग्रेट स्नानागार मिला है, और ग्रीनरीज मिली है। उसके बाद जो प्रीस्ट होता था वो सेंटर में रहता था, ठीक है, जो भी सीता दल्स होते थे, प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी लोग थे, ठीक है। उसके बाद अगर टाउन प्लानिंग की बात करें, सबसे जो उनकी विशेषता थी टाउन प्लानिंग थी, ठीक है, फॉर्मेटरी ऑफ दी बिल्डिंग्स डिजाइन, स्ट्रीट्स और ग्रेनरीज होते थे, ठीक है। जो घर बनाए जाते थे वो बेक एंड मड ब्रिक्स से बनाए जाते थे। मड ब्रिक्स कौन सी होती है, कीचड़ की, हाँ, मिट्टी की जैसी तैसी बना दी, जो उसे बोला जाता है मड ब्रिक्स। और धौलावीर जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड था, और हमें जो बैक ब्रिक मिली है वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से एंड मोहनजोदारो से। उसके बाद बट कालीबंगा में जो है यूज किया गया है मड ब्रिक्स का। हाउस जो होते थे वो वन स्टोरी भी होते थे, एक मंजिला भी होते थे, और कई मंजिला भी हो सकते थे। और क्लीनिनेस और सैनिटेशन का जो है बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने प्रबंध किया हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट साइट्स देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स थी, इनको आपने याद रखना है, ठीक है, कौन सी साइट कौन सी थी, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो, फिर चुहुंदरो, फिर लोथल, फिर कालीबंगा, फिर बनावाली, फिर चुहुंदड़ो, ये रिपीट हो गया चुहुंदड़ो। उसके बाद कोदीजी, फिर अमीरी, उसके बाद राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा, देन सुतकंडोर, उसके बाद सुतकोटड़ा, फिर मिथिला ये हरियाणा में, उसके बाद बालाकोट, फिर जो है आलमगीरपुर, फिर दैमाबाद, और फिर रोपड़। और कौन सी जो साइट है किसने डिस्कवर की थी, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, दयाराम सानी के द्वारा, जो कि 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था।
और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एट प्रेजेंट टाइम पंजाब पाकिस्तान में सिचुएटेड है। उसके बाद मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को जो डिस्कवर किया गया था वो आर डी बैनर्जी, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, रखलदास बैनर्जी के नाम से भी जाना जाता है 1922 में। और कहाँ पे ये फाउंड किया गया था? सिंध पाकिस्तान में, हड़प्पा भाई सबसे पुराना है, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो किसने, ए घोष के द्वारा और बी किसके द्वारा, लाल के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़, ठीक है, राजस्थान राजस्थान में है। दो गांव है, एक है पीलीबंगा और एक है कालीबंगा, ठीक है, यानी कि ब्लैक बेंगल्स। उसके बाद लोथल, ठीक है, ये एस आर राव के द्वारा 1957 में बनाई गई, खोज की गया था। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद बनावाली, बनावाली जो डिस्कवर की गई थी किसके द्वारा? आर एस बिस्ट के द्वारा 1973 में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हिसार हरियाणा में सिचुएटेड है। उसके बाद रंगपुर, रंगपुर जो है वो कहाँ से? एम एस बिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है। और रंगपुर कहाँ है? ये गुजरात में सिचुएटेड है। उसके बाद रोपड़, या फिर इसको रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाई डी शर्मा के द्वारा इसको एक्सिवेट किया गया था। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? पंजाब सतलुज के बैंक पे। उसके बाद आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ये भी वाई डी शर्मा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये मेरठ में है, हिंडन रिवर के किनारे पे। उसके बाद कोट दीजिए, ये गुरे 1935 में है, ये सिंध पाकिस्तान में सिचुएटेड है, 1835। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है सुतकंडोर, ए स्टीन जॉर्ज ब्लेस के द्वारा इसको, ये बलूचिस्तान में है एट प्रेजेंट टाइम, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन। उसके बाद सुतकोटड़ा जेपीजी जोशी के द्वारा 1964 में, गुजरात कहाँ पे? कच्छ प्लेन के आसपास। उसके बाद दाबरकोट माके 1935 में, कहाँ पे? बलूचिस्तान में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है चुहुंद्रो, ये एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 में, कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में इसको फाउंड किया गया था। कैसे? बट ये सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, ये नहीं माना जाता, ठीक है। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कौन सी, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है अर्बन सेंटर था, और कहाँ पे सिचुएटेड है? पंजाब प्रोविंसेस में सिचुएटेड है। कहाँ पे? पाकिस्तान में एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रावी रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट रिसर्च माना जाता है सीटी का, जिसमें जो है एक्सटेंसिव वाल के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया गया था, और फर्स्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको कि डिस्कवर किया गया था 1921 में, जिसकी की टीम को लीड कर रहे थे कौन? दयाराम सानी। ध्यान रखना, हड़प्पा को जो डिस्कवर किया था किसने किया था? दयाराम सानी के द्वारा। और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फाइंडिंग हुई है, क्या कुछ मिला है? एक तो यहाँ पे गेटवे ऑफ द सिटी मिला है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये गेटवे है। और साथ ही साथ जो एक मीटिंग पॉइंट था सर्वाइवर रूट का, काफी सारे जो रूट थे वहां पे आके मिलते थे। उसके बाद यहाँ पे जो है पोइट्री, टेरा चैटर ब्लेड्स, कॉपर ब्राउन्स इम्प्लीमेंट्स यहीं पे मिले हैं, और साथ ही साथ टेरा कोटा जो फिगर है वो भी यहीं पे मिली है। और साथ ही साथ सील्स और वेट, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए जो वेट होते थे वो भी यहीं से मिले हैं। और यहाँ पे टू रोज मिली है, यानी कि दो रो मिली है, जैसे कि एक ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, ठीक है। इसमें जो है सिक्स ग्रेनरीज होते थे। और उसके बाद यहाँ पे कॉफिन मिला है बरिल, यानी कि जो डेड बॉडी थी वो मिली थी कहाँ पे? रिवर आदमियों की, ठीक है, रावी रिवर के किनारे पे। और यहाँ पे टेरा कोटा फिगर भी मिले हैं, यानी कि मिट्टी के जो है कुछ फिगर्स भी मिले हैं, उसको बोला जाता है टेरा कोटा। नेक्स्ट वन आता है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो एक साइट है, ना कि मूवी है ऋतिक रोशन की, ठीक है। मोहनजोदारो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? माउंट ऑफ दी डेड, यानी कि मृतकों का टीला, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा हमें मृतकों की बॉडी मिली है, डेड बॉडीज मिली है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए माउंट ऑफ दी डेड। और कहाँ पे सिचुएटेड है? एट प्रेजेंट टाइम सिंध पाकिस्तान में। कहाँ पे? इंडस रिवर के किनारे पे। और यहाँ पे हमें यूनिकॉर्न्स सील्स भी मिली हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे राइज वाटर टेबल भी मिला है। यूनिकॉर्न्स यानी कि एक जो है काफी सारे सींग्स के साथ,
सील्स मिली है। आगे दिखा भी दूंगा कौन सी यूनिकॉर्न सील्स है, लगाई हुई है मैंने इसमें फोटोज, ठीक है। उसके बाद हमें एक जो है यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग मिली है वो क्या मिला है, ग्रेट वॉशरूम मिला है, ग्रेट वॉ ठीक है, ये रहा ग्रेट बाथरूम, ठीक है, जिसको कि किसी रिलीजियस ओकेजन के ऊपर खोला जाता था, और यहाँ पे जो है सीढ़ियां बनाई गई हैं, और पास में जो है इसके चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल्स, शेल स्ट्रिप्स, ठीक है, पशुदेव महादेव यानी कि फोटो ऑफ दी शिवा की सील्स भी मिली है, ठीक है, एक ब्राउन्स इमेज मिली है, डांसिंग गर्ल की सपना चौधरी की मूर्ति मिली है, उसके बाद एक दाढ़ी वाले बाबा भी मिले हैं, और साथ ही साथ मदर गॉडेस की मूर्ति भी मिली है जो कि क्ले फिगर से बनाई गई है। यही रहा भाई टेराकोटा, मिट्टी के बनाए तो हुए थे, ठीक है, जो बुल काट है टेराकोटा का बनाया। नेक्स्ट वन आता है चुहुंद्रो, ये भी एट प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे पे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी हमें इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हुई है, ठीक है, सिटी मिली है विदाउट सिटाडल्स, यानी कि कोई भी यहाँ पे जो है रहने की या फिर सिटाडल्स हमें नहीं मिले, और साथ ही साथ इंक पोट भी मिले हैं, और साथ ही साथ एक हमें ब्रिक भी मिली है जिसपे कि कुत्ते का क्या था, पाओ का प्रिंट था, और है हाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हमें ये कहाँ से मिला है। उसके बाद टेराकोटा मॉडल का बुलकाट मिला है, जैसे कि आप इसी मेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्या है, टेराकोटा बुलकाट है। और उसके बाद ब्रॉन्ज टाउ ट्रॉय काट भी मिले हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल कहाँ से इम्पोर्टेंट फाइंडिंग मानी जाती है, चुहुंद्रो की। नेक्स्ट वन आता है कालीबंगा, ब्लैक बेंगल्स, ये कहाँ पे सिचुएटेड है एट प्रेजेंट टाइम, राजस्थान में, ठीक है, बैंक ऑफ दी गग्गर रिवर। यहाँ से हमें फ्लॉड फील्ड मिले हैं, फ्लॉड फील्ड का मीनिंग क्या होता है कि हाँ जैसे कि आप इसी इमेज में देख पा रहे होगे, यानी कि जुते हुए खेत मिले हैं। 5, 7, 5 आल्टर्स मिली हैं अगन वेदी का, जिसमें कि पंडित लोग क्या करते हैं हवन करते हैं वैसा, और साथ ही साथ डेकोरेट जो है ब्रिक्स भी मिले हैं, और टॉय कार्ट मिला है एक व्हील्स का, और यहीं से हमें एक वुडन फ्लॉ भी मिला था, वुडन फ्लॉ यानी कि लकड़ी का हल। उसके बाद नेक्स्ट आती है लोथल, हाँ भाई कौन पूछ रहा था कि डॉक यार्ड क्या है, ठीक है, लोथल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन मिली है वो कौन सी है, डॉक यार्ड, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसी इमेज में, ये क्या है, ये डॉक यार्ड है, यहाँ पे ठीक है शिप वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पे लोड हो रहे हैं और ये जा रहे हैं, इसको बोला जाता है डॉक यार्ड। उसके बाद यहाँ से हमें फायर आल्टर्स मिले हैं, और टेराकोटा फिगर ऑफ दी हॉर्सेस मिले हैं, हॉर्सेस बाई डाउटफुल है, क्योंकि हॉर्स जो हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिले हैं, हमें लोथल से मिले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड करने आते थे लोथल के साथ, क्योंकि वो गुजरात में है, वो ईरान से लोग यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, हो सकता है क्योंकि ईरानियन जो घोड़े थे बहुत फेमस थे उस टाइम पे, इसी ये कौन से साल तक की, आज से बच्चे लगभग 2218 4000 पहले की बात हो रही है, ठीक है, वो यानी कि ईरान से जो है ट्रेड करने आते होंगे, तो उनका जो घोड़ा था वो वहीं पे मर गया, इसीलिए ठीक है जो घोड़े के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोथल से ही मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल बरियल बॉडी भी मिली है, ठीक है, यानी कि दो लोगों को एक साथ जो है दफनाया गया है या जलाया गया है। उसके बाद टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप्स भी मिले हैं, मिट्टी के बने हुए शिप्स भी मिले हैं, डाइंग पैड्स मिले हैं, वाट्स मिले हैं, यानी कि उसके बाद पर्शियन ईरानियन सील्स भी मिली हैं। उसके बाद पेंटेड एक जार मिला है जिसमें कि बर्ड और फॉक्स को पेंटेड किया गया है। नेक्स्ट वन आती है बनावाली, बनावाली कहाँ पे सिचुएटेड है, हिसार राजस्थान में सिचुएटेड है, ये लार्जेस्ट इंडस साइट है, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है इंडिया की, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सरस्वती रिवर के किनारे पे है, जो अभी क्या है एक्सटेंट है विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती किसकी ट्रिब्यूटरी थी, कहाँ पे संगम होता है सरस्वती का, तीन रिवर का संगम होता था एक जगह पे, कहाँ पे है, प्रयाग, प्रयाग, सही है, प्रयागराज में, इलाहाबाद,
ठीक है, वहां पे सरस्वती का भी संगम होता था गंगा और जमुना के साथ। और यहाँ पे हमें इंपोर्टेंट फीचर मिला है, यानी कि ग्रिड पैटर्न ऑफ द टाउन प्लानिंग लैक मिला है यहाँ पे। और उसके बाद लैक ऑफ द सिस्टमेटिकल ड्रेनेज पैटर्न का भी हमें क्या मिलता है, लैक मिलता है, नहीं मिला है। उसके बाद टॉय फॉल्स फ्लो मिला है, यानी कि एक छोटा हल मिला है, और क्ले फिगर ऑफ द मदर गॉडेस की भी मूर्ति मिली है। उसके बाद कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे कि सूतकोटड़ा, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ में। यहाँ पे हमें बोन्स ऑफ द हॉर्स मिले हैं, ओवल ग्रेप्स मिले हैं एंड पोर्ट बरियल्स मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद धोलावीरा गुजरात में, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज इमेज मिली है चैरेट्स की, यानी कि रथ की, विद्युत चैरेट ऑक्शन मिला है, एलिफेंट मिला है और याइनोज मिला है। उसके बाद वेस्ट मोस्ट जो साइट है उसका नाम है सुकंडोर, जो कि एट प्रेजेंट टाइम ईरान बॉर्डर पे है। और यहाँ पे हमें टाउन फोर्ट टाउन मिला है, इम्पोर्टेंट कोस्टल पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये किसके किनारे पे थी, पोर्ट के किनारे पे थी। नेक्स्ट वन, ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, कौन सी किसके किनारे पे थी। मोहनजोदारो जो थी वो इंडस रिवर के किनारे, हड़प्पा जो थी वो रावी रिवर के किनारे पे, और बनावाली जो थी वो किसके किनारे पे थी, गग्गर रिवर के किनारे पे। हाँ, सरस्वती उसके बाद बनावाली गग्गर रिवर और कालीबंगा गग्गर रिवर के, लोथल जो था वो गावा रिवर, रुजदी जो थी वो बद्दर, मलवान जो थे वो ताप्ती रिवर, सुतको जो थे वो शादी कौर, और सुतकंडोर थे वो दस्तक, चुहुंद्रो जो थी वो इंडस रिवर, और बक्तराब जो थे वो किम सागर कॉन्फ्लुएंस पे मिलती है, ठीक है। ये जो है एक पाकिस्तान में सिचुएटेड है प्रेजेंट टाइम। उसके बाद कुछ हमें साइंस बोर्ड भी मिले हैं, ठीक है। ये जो जो आप दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, साइंस बोर्ड है, ये धोलावीरा से हमें मिले हैं। उसके बाद ये डांसिंग गर्ल है, ठीक है। और उसके बाद ये हमें यूनिकॉर्न सील्स मिली है, ये रही भाई यूनिकॉर्न सील्स, ये वाली और ये वाली जो पूछ रहे थे आप लोग, ठीक है। और धोलावीरा से ये हमें सप्लाई और ड्रेनेज पैटर्न मिला है, ठीक है। कितना अच्छे तरीके से जो है इन्होंने सिस्टमेटिकल तरीके से रखा हुआ है ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद कौन कौन सी मेटल मिली है, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड लेपेलॉजी, हीरे जवाहरात, मोती, ठीक है। बट आयरन नहीं मिली, ध्यान रखिएगा, आयरन नॉट फाउंड, लोहे का उनको कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद उनकी कोई भी रेगुलर करेंसी नहीं थी, ठीक है। करेंसी का वो यूज नहीं करते थे, ओनली पेटीएम करो, ठीक है, या फिर गूगल पे, फोन पे का यूज किया करते थे, नहीं वो वाटर सिस्टम यूज करते थे। वाटर सिस्टम क्या होता है, हाँ, वस्तु विनिमय, ठीक है, जैसे पैसों की खोज तो वैदिक पीरियड में भी थी, ठीक है, वैदिक पीरियड में भी चलता था, बट एक्सचेंज के लिए वो भी काउ यूज करते थे। उसके बाद ठीक है, जैसे कि ये भाई साहब इसमें हमको एप्पल दे रहे हैं और इनसे बनाना ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये वस्तु विनिमय होता है। और इंटरनल जो ट्रेड होता था वो राजस्थान के साथ और कर्नाटका के साथ होता था। किस किस का ट्रेड होता था, जैसे कि मेटल, फूड एंड रॉ मटेरियल्स। और एक्सटर्नल जो ट्रेड होता था वो ईरान, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ठीक है, ये लग्जरियस जो आइटम्स होती थी उनका वो ट्रेड किया करते थे। और साथ ही साथ बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है, कहाँ से, कालीबंगा से, चुहुंदरों से और लोथल से। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म, बेड्स एंड मेजर्स मिले हैं। उसके बाद बात करें अगर एग्रीकल्चर की, तो फर्टाइल लैंड थी, क्योंकि इंडस रिवर का भाई बेसिन है, ठीक है, इंडस रिवर हिमालय से ऑरिजिनेट होती है और हर साल अपने साथ क्या लाती है, नई मिट्टी लाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई गई, एलोवियल सोयल पाया गया, और सफिशियंट जो है रेनफॉल भी हमें देखने को मिला है, और यूज ऑफ दी फ्लो मिले हैं, और टिल टिल जो है फॉर्म्स मिले हैं कालीबंगा से, जो मैंने आपको पीछे इमेज में दिखाए भी हैं। और साथ ही साथ जो फ्लो थे, हल थे, वो खींचे जाते थे किसके द्वारा, ऑक्सन के द्वारा। और क्रॉप्स कौन कौन सी मिलती हैं, वीट, बार्ले, सीसम, जैसे कि तिल, मस्टर्ड, राइस जो कि लोथल से मिले हैं, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस, जो कॉटन है उसको
इंडिया में सबसे पहले जो बर्थ प्लेस ऑफ है वो इंडिया ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीक लोग इसे सीडन बोलते थे। उसके बाद इसका जो नाम है वो कॉटन रखा गया। उसके बाद इनका जो बेस हड़प्पा की जो मेन इकोनॉमी टिकी हुई थी वो ट्रेड पे टिकी हुई थी, और मोस्ट ऑक्यूपेशन था उनका ट्रेड ही ऐसा, और एनिमल भी वो डोमेस्टिकेटेड करते थे, जैसे कि शीप हो गया, गॉट हो गया, पिग हो गया, ऑक्सन हो गया, हम्पर्ड बुल हो गया, डॉग हो गया, कैट्स हो गया, बफलोज होगी एंड एलिफेंट्स हो गया। बट दो चीजों को जो है रेयर मिलते हैं वो डिबेटफुल है आज भी, एक तो हॉर्स और दूसरा कौन सी नहीं मिला, काओ नहीं मिली, ठीक है, अगर भाई ऑक्सन है हम्पर्ड बुल है तो ठीक है काओ तो होगी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि काउ थी नहीं, उनको पता नहीं था, बट हमें एविडेंस नहीं मिले काउ की आज तक, ध्यान रखिए इस बात का। उसके बाद ठीक है सोशल लाइफ कैसी थी, पूरा दिन ऑनलाइन रहते थे, इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डालते रहते थे, स्नैपचैट और फेसबुक वगैरह वो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। सोशल लाइफ कैसी थी, जो सोसाइटी थी वो टू सिटाडल्स में डिवाइडेड थी, अपर सिटाडल और लोअर सिटाडल। अपर जो सिटाडल थे उसमें रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और जो लोअर सिटाडल थे उसमें कौन रहते थे, कॉमन पीपल रहा करते थे, और लोग जो थे वो स्पिरिचुअल लाइफ से ज्यादा वर्ल्डली लाइफ में ज्यादा विश्वास करते थे, और कोई भी ठीक है जो हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है, यानी कि उनकी छोरियां छोरों से कम नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ जो है लाइक जैसे कि वीट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और मिलेट्स वगैरह जो है वो कहाँ से मिलते हैं, राजस्थान से मिलते हैं। नेक्स्ट वन रिलीजियस लाइफ देख लेते हैं, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, ठीक है, वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मदर गॉडेस यानी कि गॉडेस ऑफ द फर्टिलिटी, यानी कि मातृ देवी की धरती की पूजा करते थे। उसके बाद हमें मेल डाइटीज मिले हैं, योगी मिले हैं, जैसे कि पोट्रो ऑफ द शिवा जिसके इर्द गिर्द एलिफेंट टाइगर एंड राइनोज है, और साथ ही साथ उसको जो है पशुपति के नाम से भी जाना जाता था, वो वर्शिप करते थे ट्रीज की जैसे कि पीपल ट्री, और हम्पड़ बुल जो था बहुत इंपोर्टेंट प्लेस रखता था क्योंकि उसको वर्शिप किया जाता था, और यूनिकॉर्न भी था यानी कि एक सींग वाला गैंडा भी हमें मिला है वहां पे। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ द एमुलेट्स मिले हैं, ठीक है, ताबीज मिले हैं जिससे कि पता चलता है कि वो बंगाली बाबा के पास जाते होंगे वशीकरण करवाने के लिए, खोया प्यार पाए, ठीक है, जो बसों में लिखा रहता है 5 मिनट में इलाज पाए, ठीक है, धोखा था शादीशुदा जरूर मिले, प्यार सॉरी क्या लिखा होता है, प्यार में धोखा था एक बार जरूर मिले, ठीक है, तो वो बिल्कुल हाँ उसमें जो है वो विश्वास रखते थे। उसके बाद कोई भी टेम्पल नहीं मिला, ठीक है, टेम्पल यानी कि हो सकता है कि उन्होंने टेम्पल जो है लकड़ी के बनाए हो वो जल गए, ठीक है, इसीलिए आज तक हमें कोई भी टेम्पल का जो एविडेंसेस है वो वहां पे नहीं मिला है। उसके बाद जो हमें ये ग्रेट बात मिला है इससे हमें रिचुअल सिग्निफिकेंस पता लगता है, यानी कि जो लोग हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी भी रिलीजियस पर्पस में जो है स्नान करने के लिए जाते होंगे, जैसे कि आजकल हम लोग कुंभ पे मेले पे जाते हैं, ठीक है, जब गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए। उसके बाद वो आफ्टर दी डेथ बिलीव करते थे, इसीलिए वो उसके साथ क्या कर देते थे, कुछ आइटम्स भी दफना देते थे, ठीक है, जैसे कि हम हाँ ठीक है, जैसे कि अलग अलग चीजें दफना दी कि ये इसके साथ जाएं, ठीक है। उसके बाद हिंदुइज्म की जो रूट्स हैं वो यहीं से फाउंड मिलती हैं, जैसे कि शिवा हो गया, ठीक है, आज भी हम ट्री की वर्शिप करते हैं, पीपल की पूजा होगी, बोलते हैं कि विष्णु जी का निवास है, ठीक है, जो और भी काफी सारे पीपल्स हैं, और फायर आल्टर्स भी मिले हैं जगन बेदी का, ठीक है, जिसमें पंडित लोग जो है क्या करते हैं यज्ञ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये है मदर गॉडेस मातृ देवी, और ये है हमारे शिवाजी, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द एलिफेंट है, वन है, राइनो है, हम्पड़ बुल है, और उसके बाद ये प्रीस्ट हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा है, ठीक है, जो कि मोहनजोदारो से हमें मिले हैं। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, ठीक है, क्या उनके टाइम पीरियड में भी इलेक्शन होते थे, तो ऐसा कुछ क्लियर नेचर नहीं मिलता है। उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो इतना कोई वास्ट स्प्रेड नहीं था, ठीक है, जो रूल करता था वो या तो किंग था या फिर पुजारी था, और ट्रेडर के द्वारा इनको रूल किया जाता था।
ठीक है, क्योंकि भाई अभी तक इनकी हम स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए इनके बारे में हमें आज तक जो है वो पता नहीं चला है। उसके बाद तो ये देख सकते हो, ये इनकी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो 1 2 3 है, पता नहीं क्या है, ठीक है, अगर पहचान ली तो बता देना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी तक ये भाई पढ़ा नहीं गया है, ये इनकी स्क्रिप्ट है, जैसे कि ये स्वास्तिक वगैरह तो चलो समझ आते हैं, ठीक है, बाकी जो है इनकी कोई भी स्क्रिप्ट जो है अभी तक कोडिफाई नहीं की गई। नेक्स्ट वन आता है कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन। नेक्स्ट वन इज द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन, क्या कारण था कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई। सबसे पहले अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, ठीक है, तो कोई तो बोलता है कि फ्लड आ गया, ठीक है, अगर हमारे ऋतिक रोशन भाई साहब की मान लें, ठीक है, उनकी मूवी में तो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या बनाया हुआ है, फ्लड आ गया था, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कहाँ पे दफन हो गई। और उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि जो आर्यन थे उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आर्यन का आता है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में और आर्यन के टाइम के बीच में लगभग 200 से 300 साल का डिफरेंसेस है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो इवेल्युएट नहीं माना जाता कि आर्यन ने जो है क्या किया होगा, आर्यों ने अटैक किया होगा, ठीक है, बट इसके बाद जो ज्यादातर मानते हैं कि आर्यन ने ही अटैक किया था, क्योंकि कहां से आए थे, ईरान से आए थे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। तो कल हम करेंगे आर्यन पीरियड या फिर वैदिक पीरियड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब तो आप पूछ सकते हो।